हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं हूँ ट्यूबिंगन में। ट्यूबिंगन में मैं आज आप लोगों को एक रेस्टोरेंट में लेके आई हूँ जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हम लोग कुछ एक ऑफर करने वाले हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वन ऑफ हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। टू स्टिक टू दिस वीडियो और देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या ट्राई करने वाले हैं। तो आई एम ट्राइंग विथ मैंगो लस्सी जो यहाँ के लोगों की बहुत फेवरेट है। इंडिया में तो आपने नहीं सुना होगा मैंगो लस्सी, पर यहाँ पर जो मैंगो लस्सी इंडियन रेस्टोरेंट में या इंडियन में अगर कोई से भी आप पूछो क्या फेवरेट है ड्रिंक्स में तो वो बोलेंगे मैंगो लस्सी। हम लोग हैं इंडियन रेस्टोरेंट कोहिनूर में जो कि ट्यूबिंगन में है, और ट्यूबिंगन जो है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, और ये इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है कोहिनूर। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को प्राइजेस बता देती हूँ यहाँ पर कितना, मतलब इंडियन जो खाना है वो कितना महंगा है सस्ता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि सारे ही जो रेट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, चाहे आप एक यहाँ पर आ जाओ या दूसरे किसी रेस्टोरेंट में आ जाओ। लेकिन जो करी होती है, मतलब जैसे आप दाल मखनी मंगा लो या पनीर टिक्का मंगा लो या चिकन टिक्का मंगा लो, तो वो 10 यूरो से 15 यूरो के बीच में होता है और उसके साथ राइस आता है। तो एक जन जो है वो पूरा मील खा सकता है। तो आप एक कोई करी मंगाओ उसके साथ राइस आता है एंड वो खा सकते हो। तो एक जन का एवरेज जो प्राइस होता है जो खाने का यहाँ पर 14 से 15 यूरो के लगभग होता है। यहाँ पर बहुत सारी डिशेस मुझे दिख रही है, वीगान दिख रही है, देन वेजिटेरियन दिख रही है और नॉन वेजिटेरियन दिख रही है। तो आपको जो भी ट्राई करना है आप कर सकते हो, पर मेरा फेवरेट यहाँ पर है दाल मखनी, तो मैंने वो जो है मंगाया है। गजब यार, पता है मेन रीज़न क्या था हमारा यहाँ पर आने का? इन्हीं का जो दूसरा रेस्टोरेंट है ना जो मेडजेंगन में, इतना तगड़ा टेस्ट है और सेम टेस्ट यहाँ पर है, ऐसा टेस्ट हमने कहीं और दूसरी जगह टेस्ट नहीं किया है। मतलब बहुत स्वादिष्ट खाना है, मतलब यहाँ मैं कभी भी आ सकता हूँ इतनी दूर ट्रैवल करके आराम से सिर्फ खाना खाने में, और बाहर जो एनवायरनमेंट है वो हम आपको दिखाएंगे और भी गजब है। और एक चीज़ और, एक टिप, अगर आप इंडियन हो और आपको इंडियन टेस्ट का खाना खाना है तो आप हमेशा बोल दो कि यहाँ पर, मतलब इन लोगों से बोल दो कि वी आर इंडियन और हमें थोड़ा तीखा खाना है, तो आपको एकदम जो इंडियन टेस्ट है वो मिलेगा। जो देखो, एंड आई थिंक वाओ वाओ दीपक, वो जो बटर का और वो उसका टेस्ट आ रहा है, वाओ दाल मखनी। इस जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, इसमें इतना अच्छा इंटीरियर का टच दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंडियन फील आ रहा है, और जो पिक्चर्स हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में बैठ के जो है वो लंच कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं यहाँ के इनके जो बियर गार्डन है वहाँ पर, और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा हो रहा है। अभी मैं इनके बियर गार्डन में बैठी हुई हूँ जो कि अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पर जनरली इवनिंग में बियर गार्डन जो है वहाँ पर लोग बैठते हैं। आओ दिखाती हूँ कैसा है।
और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फुल फ्लेश्ड बार है यहाँ पर, जहाँ पर आप डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स जरूर टेस्ट कर सकते हैं। और यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू ट्राई विद द बियर, अल्कोहल, वॉट एवर काइंड ऑफ अल्कोहल यू लाइक। तो दिस इज ऑल्सो वन गुड ऑप्शन इन द रेस्टोरेंट टू ट्राई। यहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक्स भी एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि लोकल की तरह एपेरोल स्प्रिट्स, या फिर इन लोगों की फेवरेट मैंगो लस्सी, या फिर जर्मन्स की फेवरेट बियर। और इस बियर गार्डन में आई थिंक बियर पीना जो है वो बनता है। और अगर आप हार्ड ड्रिंक के फैन हो तो हार्ड ड्रिंक भी। और मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं अपने सब्सक्राइबर को कुछ बताऊंगी, एक ऑफ़र दूंगी, तो ये लोग इतने अच्छे हैं, हम लोग यहाँ पर आते थे, इनका खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा कि इनसे बोले कि हमारे सब्सक्राइबर को कुछ डिस्काउंट दें। तो हाँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, रेडी हो गए हैं। और आप लोगों को, अगर आप यहीं आके खाते हो या टेक अवे लेते हो, तो आपको 5-10% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। आप इनसे बोल सकते हो कि आप मेरा चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप का चैनल देख के यहाँ पर आए हो, और आप ये जो एक्सक्लूसिव ऑफ़र है आप लोगों के लिए, उसके मज़े ले सकते हो। प्लस खाना तो बहुत टेस्टी है ही है। तो दैट्स इट, एंड वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। रेस्टोरेंट के बारे में पता चला होगा, यहाँ पर कैसे होते हैं, किचन में भी हम लोग आपको लेके गए, और यहाँ पर जो भी डिशेज होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, और उनके क्या प्राइजेज होते हैं वो भी हम लोगों ने आपको बताया। क्या इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताना। एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय। एंड द सीन्स चल रहा है, इसे देख कर गिर मत जाना।